लेटेस्ट न्यूज की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में आ चुकी हैं जैकलिन फर्नांडिस। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि आने वाले दिनों में जैकलिन फर्नांडिस हर तरफ छाने वाली है, क्योंकि उनकी प्रोजेक्ट्स को लेकर काफ़ी सारी बातें सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि वो इस समय राम सेतु की वजह से काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बनी हुई है, और राम सेतु में वो बॉलीवुड के खिलाड़ी यानी कि अक्षय कुमार के साथ में नजर आने वाली है। तो वहीं दूसरी तरफ रणवीर सिंह की अपकमिंग मूवी सर्कस में भी रणवीर सिंह के अपोजिट में नजर आने वाली है जैकलिन फर्नांडिस। आपको बता दें कि इस समय जैकलिन फर्नांडिस अपने घर में होम क्वारंटाइन है, क्योंकि वो अक्षय कुमार के साथ अपनी अपकमिंग मूवी राम सेतु की शूटिंग में थी, जिसके बाद अक्षय कुमार की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और उसकी वजह से फिल्म की शूटिंग को बीच में ही रोक दिया गया और सबको होम क्वारंटाइन करना पड़ा। और इसके बाद ये बात सामने आई है कि अब इन दो फिल्मों के बाद एक और फिल्म मिली है जैकलिन फर्नांडिस को, जो कि भूषण कुमार की अपकमिंग मूवी है और उसका नाम दिया बताया जा रहा है, जिसमें जैकलिन फर्नांडिस सामने आने वाली है।